नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। सावन सोमवार व्रत में क्या खाए क्या नहीं खाए, सावन में लहसुन प्याज खाए या ना खाए, व्रत में नमक खाए या ना खाए, सावन में पति पत्नी को दूरी बनानी चाहिए या नहीं, और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें सावन के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों दोस्तों सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता। यह महीना साक्षात प्रेम और भक्ति की सौगात लेकर आता है, जिस कारण भक्तों को बड़ी बेसब्री से सावन के महीने का इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया जाता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़े जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है, वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है, महादेव से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत को सार्थक करता है। दोस्तों, सावन में कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दोस्तों सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव के समर्पित अपने कांधे पर उठाई थी, और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। तो दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। आज के वीडियो में बहुत ही सुंदर जानकारियां हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, नमन, नमस्ते, नमामि, नमो नमः, जय महाकाल। आपका स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल अलौकिक इंडिया पर। आप सबसे पहले जानते हैं दोस्तों सावन सोमवार व्रत की तारीख। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई को, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई को, चौथा सोमवार का व्रत 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार का व्रत 7 अगस्त को, छठा सोमवार का व्रत 14 अगस्त को, सातवें सोमवार का व्रत 21 अगस्त को और आठवें सोमवार का व्रत 28 को रखा जाएगा। जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें, ये निर्जला व्रत नहीं होता। अगर आपने फलाहार का संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी ना खाएं, फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। उनके बर्तनों में भी नमक लगा होता है और वह नमक आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डिब्बाबंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल्स पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में जब भी शुक्रवार का दिन पड़ता है तब खट्टा भूलकर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में होती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानीपुरी, इमली की चटनी, खट्टे फल आदि जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो सकती है। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानियों का और माता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर अमरुद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध नहीं पीना चाहिए। सावन में बच्चे दूध पी सकते हैं और बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख लो, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर या सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए।
ये जहर के समान मानी जाती है। इनमें कीड़े आ जाते हैं और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग सकता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाता ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नर्क में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करे, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव आए हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है, इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए, ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप अपने घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी जाना नहीं चाहिए और व्रत में भी काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन तो पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और न ही पति को अपशब्द कहने चाहिए। इससे भगवान शिव आपको कष्ट देके समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरस सकता है। सावन में बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं बनानी चाहिए, यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग ले। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल न लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को माँ और भगवान शिव को पिता माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी वस्तु उपहार के तौर पर कभी भी किसी को ना दे, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तुएं नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाया नहीं जाता। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ कारक और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए चावल कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे वह क्रोधित हो सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए, पत्ते पूरे सबूत होने चाहिए। आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह फटा फूटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र को पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल भी उसी तरह का मिलेगा। भगवान शिव को एक बूंद दूध भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि कार्यों में इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना शुभ कारक बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वह जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए।
उसे लांघना भी नहीं चाहिए। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से ही जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सावन में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो आपको करोड़पति होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है दोस्तों। सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद के रूप में थोड़ा सा धतूरा जरूर खाना चाहिए। यह आपको ज्यादा नहीं खाना, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर लेना है। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो जाएगा, आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल का फल। बेल का फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीजें आपको खानी है, फिर आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल है महाकाल। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बहुत सी जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद आपका। महाकाल भाग।